मोदी जी 56 इंच का सीना दिखाओ, हमारा पैसा वापस लाओ। मोदी जी 56 इंच का सीना दिखाओ, हमारा पैसा वापस लाओ। मोदी जी 56 इंच का सीना दिखाओ, हमारा पैसा वापस लाओ। कैश बैंक में नहीं रख सकते, घर में रखते हैं तब चोर हो जाते हैं, प्लास्टिक करेंसी हैक हो जाती है, जाए तो जाए कहाँ। ये प्राचीन वो पुराना युग आने वाला है कि जो कमाओगे खाओगे, अनाज की जगह दूध ले लो, दूध की जगह कपड़ा ले लो, ऐसा ही होने वाला है। हमारा देश मेरे को नहीं मालूम इतने साल हो गए कहाँ पे जा रहा है। हमने सोचा था कि बहुत ऊपर जाएगा, इसकी हालत पहले कभी नहीं हुई। जी नहीं, कभी नहीं। मैं 60 साल का होने वाला हूँ, आज तक हमने बचपन से आज तक ऐसी हालत कभी नहीं सुना। जी नहीं, हमने सोचा ही नहीं, सुना तो बहुत बात है, हमने कभी नहीं सुना था कि ऐसा कभी होगा जैसा अभी हो गया। बीजेपी सेकेंड इनिंग में पंटाधार हो गया गवर्नमेंट का। मोदी जी देश में नहीं रहते, अमित शाह जी अपना 82 इंची का सीना दिखा के घूमते रहते इधर से उधर, उधर से इधर। भाई कोई सुनवाई नहीं गरीब आदमी की, कोई सुनवाई नहीं। जो बड़े 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 बिजनेसमैन है वो पैसा लेके चले जाते हैं, जो बैंकर है उनकी बड़े बड़े बिजनेसमैन से सेटिंग होती है, उनसे बिना किसी मॉर्गेज के लोन मिलते हैं। कोई सुनवाई नहीं है, नहीं नहीं, सबका विनाश है, विकास नहीं है, सबका विकास है। आम आदमी का तो विनाश है भाई, कुछ नहीं है हमारे लिए यहाँ पे। कैशलेस करते करते पूरा ही कैशलेस ही हो गए हम तो, मतलब सारे पैसे हमने बैंक में रखे कि सेफ है, आज खत्म हो गए, सड़कों पे आ गए। कोई कोई जिम्मेवारी नहीं बनती गवर्नमेंट की कि लोग सड़कों पे आ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, पर एक जवाब नहीं दे सकता, एक अश्योरेंस नहीं दे सकते कि आपका पैसा सुरक्षित है। कोई नहीं बोलता, इसका मतलब देने की नियत नहीं है। अगर नियत है तो आप रखो ना सेक्स एचडीआईएल कंपनी के, आप रखो, हमें पैसा रिलीज करो, कुछ कुछ भी करो, हमारा पैसा तो दो। कहा गया कि भाई हमारी नियत साफ है, चुनावी नियत के ऊपर लड़ा गया। नियत कहां साफ है? अगर नियत साफ है तो हमारा पैसे की अश्योरेंस तो दे दो। अगर नियत आपकी ठीक है तो बोलो कि आपने पैसा जमा किया, आपको पैसा मिलेगा। अगर आपको समय लग रहा है टेक योर टाइम, टाइम की डेडलाइन दे दीजिए। अश्योरेंस मिले फिर हम लोग शाम से अपना घर बैठ जाएंगे, हम शाम को पैसा मिलेगा। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आज भी अगर जो FD ओनर्स हैं उनकी मैच्योरिटी अगर 1 साल बाद है या 2 साल है तो अभी तो शांति से बैठे थे ना। आज अगर वो बोल रहे हैं कि पैसा दो तो डूबने का डर है। नियत अगर सही है तो बता दो। मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सर ना अगर उन्होंने नहीं खाया, किसी ने तो खाया, जिसने खाया उससे वसूलो, हमसे क्यों वसूलोगे? आज किसी ने खाया पैसा तो आप हमारे पैसों से उसका पेट भरोगे? अगर आज आप JNU वालों को सब्सिडी देते हो, हमारे पैसों से दोगे? हमारे पैसों से देते हो, दुनिया को आप सब्सिडी दे रहे हो, बेल आउट कर रहे हो, हमारे पैसों से दोगे और हमें ही नहीं करोगे? अगर प्रधानमंत्री के लिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट के लिए 5,000 करोड़ 4,000 करोड़ बहुत थोड़ा होता है, अगर उनकी इच्छा है कि लोगों को पैसा देना तो दे दें, एक एश्योरेंस तो दे दें। मोदी जी दे दें, अमित शाह दे दें, फाइनेंस मिनिस्टर है, इससे मेरा गुजारा हो रहा है। तो अदरवाइज मुझे एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ता है वहाँ पर। तो हार्डशिप का जो है सीनियर सिटीजन के लिए उन्होंने दे हैव गिवन 50,000। आप लोगों की क्या मांग है? हम तो ये मांग यही है, हम ये चाहते हैं चाहे बैंक को मर्ज करें, चाहे उसको एक्सटेंड करें, भाई हमारी जो मेच्योरिटी पीरियड है वो हम ये चाहते हैं, चाहे आप एक्सटेंड कर दो, चाहे 2 साल के लिए, चाहे 3 साल के लिए, कुछ तो एश्योरेंस दीजिए। एश्योरेंस देते नहीं है। बॉम्बे में इतने एजिटेशन हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं, बट देर इज नो रिस्पॉन्स। पर हमने तो देखा सर, अभी आज ही RBI का आया है कि उन्होंने कहा है कि हमारे जो अकाउंट हमको फेक फैक्ट्स दिए गए हैं, इसलिए हमें जो है पता ही नहीं लग पाया कि ये इतना लोन दिया जा रहा है, इतना नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है, इसको कैसे देखते हैं? हर साल ऑडिट हो रहा था इनका, ये क्या स्वयं होता है RBI में हर साल इनका अकाउंट क्या बोलते हैं ऑडिट हो रहा था। ये इन्होंने अपने बंदों को कितने फर्जी अकाउंट खोले हैं, फेक अकाउंट खोले हैं, सबको लोन दिया है। FDI क्या लगता है, जांच होनी चाहिए RBI के अधिकारियों पर? जांच होनी चाहिए, तभी तो हम अमरा गौना यहाँ रोने आए हैं, 3 बार यहाँ आ चुके हैं, बट यहाँ से भी कोई एश्योरेंस नहीं मिल रही। ये बोलते हैं ये गवर्निंग पार्टी है, और बॉम्बे में जाइए वो RBI गवर्नर देखेगा, हमारा कोई रोल नहीं है। लास्ट टाइम मैं भी अंदर गया था, कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला। थैंक यू। जो कहते हैं 10 साल का घोटाला है, मैं एक RTI से पूछना चाहती हूँ, RBI एडमिनिस्ट्रेटर से, वो 10 साल के जो RBI के ऑडिटर्स हैं उनके अगेंस्ट, गवर्नमेंट जॉब है ना इनकी, उनके अगेंस्ट इन्होंने क्या एक्शन लिया है, उनकी जॉब्स के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया है, इसके अगेंस्ट एक्शन लिया, उसके अगेंस्ट, नॉर्मल इंसानों के अगेंस्ट तो बहुत एक्शन लिया है जो इन पे उनका जोर चलता है, अपने डिपार्टमेंट के लोगों पे क्या एक्शन लिया है? 2 महीने हो गए और 2 महीने हो गए, 8 एक्शन
एक्शन नहीं लिया, लोग मर रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एक कमेंट नहीं मार पा रहे, पार्लियामेंट में कोई नहीं उठा पा रहा। नॉर्मल इंसान होना गुनाह हो गया क्या इस देश में? तो देश को तो पाकिस्तान चाहिए, 370 पे ही खुद से सारा दिन जो न्यूज चैनल उठा लो पाकिस्तान, पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में हो गया, या बाबरी मस्जिद। आम इंसान को तो देख लो, जिनको स्टैचू को कब बनाओगे? राम मंदिर बहुत अच्छा है बट इंसानियत से बढ़कर तो नहीं है। अब राम के जो आप कह रहे हो वो स्टैचू बनाना है, जैसे इसका बनाया है आपने पटेल जी का 3000 करोड़ का, अरे उसके आधे पैसे दे के इस बैंक को तो चला दो। इंसानियत हमसे ले लो डोनेशन फंड बट कम से कम बैंक तो चलाओ। 450 करोड़ तो उसके लिए दे रहे हैं राम की मूर्ति के लिए। अरे आम इंसान के लिए पैसे नहीं है, बाकी सब चीजों के लिए पैसे। क्या करेंगे, क्या मांगे फिर आपकी मोदी? हमारी तो ये मांग है, अब आप बताओ, कहते मेडिकल एजेंसी। मैं इस दिल्ली में रहते मेरे को बचपन से 15 साल हो गए नौकरी करते हुए, पैसे इकट्ठे किए बैंक में रखे मकान खरीदने के लिए। डीडे का मकान निकला है, अगले 19 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। उनको वो कहता है हमें कोई मतलब नहीं तुम्हारा बैंक को हो गया, ये अर्जेंसी नहीं। क्या मेरे को मोदी जी मेरे 1 करोड़ रुपए में क्या मोदी जी मेरे को वो पैसे देंगे? मेरा 90 लाख रुपए है। अब मेरे को पूरी पेमेंट करनी है और मैंने पैसे भी जगह जगह से इकट्ठा पिए और इधर से इकट्ठा करके छोटे छोटे बच्चे एक सपना है दिल्ली में घर लेने का, होता है सबका होता है, और अपनी मेहनत से कमाया और अब वो पैसा नहीं मिल रहा। और डीडीए कह रहे कि 19 दिसंबर तक पेमेंट नहीं की तो 45 लाख की पेनल्टी है। अब मैं बताऊँ ये अर्जेंसी नहीं है, मैंने लेटर भी लिखा, ईमेल भी लिखी बॉम्बे में, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैं बस एक रिस्पॉन्स, हमारी क्या गलती है? जो मेरा मकान निकला है वो कैंसिल हो जाएगा, मेरे को नया मकान कॉम्प्लीमेंट्री मोदी जी दिलवाएंगे या गवर्नमेंट दिलाएगी? मोदी जी तो कह रहे हैं सबको घर देंगे, सबको मोदी जी का। अरे ये बताइए, डिजिटल इंडिया बोल के मोदी जी ने एक लहर चलाई थी कि डिजिटल इंडिया, और उससे बैंकों में लोगों ने पैसा और एक्स्ट्रा जमा करना शुरू कर दिया, काला धन का भी लोगों को लगता था कि कहीं बाहर एक रेड ना पड़ जाए। सर मैं सर हमारा तो व्हाइट मनी है, सर मेरी तो व्हाइट मनी हमारा, मेरी तो मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी मेरी मम्मी रिटायर हुए हैं। मैं हमें तो पढ़ाया गया, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एक एक पैसे का जैसे सैलरी आती है उस पर टैक्स लग के आता है, बिल्कुल सैलरी, और जो पैसे जमा करते हैं उस पर TDS भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। अब हमारी गलती कर दी, हमने जोड़ दिए पैसे। वो सरकार तो कह रही है कि टैक्स का पैसा हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं और अन्य मुद्दों पे, शिक्षा पे। अरे हमारा पैसा तो हमें दे दो, हम ये तो नहीं कह रही गवर्नमेंट हमें कॉम्प्लीमेंट्री पैसे दे, हमारी जो मेहनत के पैसे लगे हुए हैं वो तो दो, हमारे जो हमने कमाए हैं। शेड्यूल बैंक था, मल्टी स्टेट बैंक था, वो 2 महीने हो गए, आप लोगों को कोई आश्वासन तो मिला नहीं? क्या उम्मीद लग रही है किसी से? कोई भी आश्वासन नहीं लग रहा, या तो RBI हमें श्योरिटी दे 100% की लिखे कि कोई अपना प्रेस के अंदर ये रिलीज करे आपका पैसा पूरी तरह से सेफ आपको दिया जाएगा। मुझे लगता है 24 सितंबर को ये हुआ था और अब 2 महीने लगभग हो ही रहे हैं, नवम्बर बिल्कुल 2 महीने पूरे हो चुके हैं, अभी भी आपको उम्मीद है? इतने प्रोटेस्ट आपने कर दिए हैं, कैसे काम बात नहीं कर रहे हैं सर? बच्चों की फीस की नहीं है, पानी का बिल है, लोगों बड़े सीनियर सिटीजन है उनका मेडिकल का खर्चा है, आज की डेट में किसी हॉस्पिटल 5-6 लाख रुपए का कम से कम खर्च बैठ जाता है बिल, और अगर आप घर का महंगाई का खर्चा भी लेके चल रहे हो 50-60 हजार रुपए महीने का खर्चा सर, उससे कम का तो है नहीं। आप ये देख लो दिल्ली के अंदर आप सर्वाइव कर रहे हो लाइफ, अगर 2 बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं अच्छे प्राइवेट स्कूल में है तो 25 हजार से कम का आपका क्या खर्चा? आप ये चीज देखिए ना, फीस है ठीक है, किराए के मकान में 25 हजार किराया, 60 हजार रुपए में तो घर का खर्च मेरा 80 हजार रुपए में कहाँ से लाऊं बताओ? क्या नाम है? लगभग 2 महीने हो चुके हैं, सितंबर में जो PMC बैंक है उस पे बैन लगा दिया गया था कि ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। PMC बैंक के जितने भी दिल्ली के खाता धारक हैं वो बार बार लगातार RBI का घेराव करते रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी कामयाबी इन लोगों को हाथ नहीं लगी है। कभी 10 हजार कभी 20 हजार इस तरीके से पैसे बढ़ा दिए जा रहे हैं RBI के गाइडलाइंस में, लेकिन आज फिर जो PMC खाता धारक हैं वो फिर एक बार पटेल चौक से RBI की तरफ घेराव करेंगे, उधर जाएंगे। हमारे साथ मैम है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं उनको मेडिकल के लिए पैसा नहीं मिल रहा, आधे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो अपना इलाज नहीं करा पा रहे, और 11 लोग बॉम्बे में इनकी डेथ हो गई है बिना इलाज के, बिना पैसे के अभाव के लिए उनकी डेथ हो चुकी है। RBI की तरफ से कोई भी एश्योरेंस नहीं है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी कोई एश्योरेंस नहीं दे रही कि हमारा पैसा सेफ है, कब मिलेगा कब नहीं, हमें कोई भी एश्योरेंस कहीं से नहीं मिली, तो सबको बहुत प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है, जिनके बच्चे स्कूल में जाने वाले हैं उनकी फीस नहीं दे रहे, 50,000 सिक्स मंथ के लिए दे हैं जिसमें हम गुजारा नहीं कर सकते सर, हमें हमारा पूरा पैसा वापस चाहिए और हमारा जो ये सीज किए हुए अकाउंट्स हैं इनको अनसीज करें सर। क्या आपने लिख रखा है कि मोदी चोर है, क्या मोदी जी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है? सर मोदी जी अगर एक ट्वीट कर दें, वो किसानों के लिए ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके लिए विश कर सकते हैं, अगर वो एक ट्वीट कर दें कि पैसा सेफ है तो हम ये प्रोटेस्ट ही नहीं करेंगे सर, उनको इंटरफेयर करना पड़ेगा क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर जो है फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर भी आता है और प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मन की बात करते हैं, उसमें उनके पीएमसी वालों के लिए कोई मन की बात नहीं होती है, तो इसलिए उनको इंश्योरेंस प्रधानमंत्री जी का भी पूरा पूरा इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो एक ट्वीट करें, एक किसी को गाइड करें, किसी को इंस्ट्रक्ट करें तो ये पैसा निकल सकता है सर, इसलिए वो पूरे पूरे इन्वॉल्व हैं इसमें। 51 डेज हो चुके हैं, लगभग 2 महीने हो चुके हैं, कितने सारे दिक्कतें आ रही हैं? दिखते देखिए पैसे के बगैर क्या काम होता है बताइए, मुझे इवन घर से यहाँ आना है, ऑटो लेने है, टैक्सी लेनी है, कैब लेनी है, बिना पैसे के क्या मैं यहाँ आ सकती हूँ? दूसरी बात, घर का खाना कैसे चलेगा, खर्चा कैसे चलेगा? मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट हूँ, हाइपरटेंसिव हूँ, बताइए बिना पैसे के मेडिसिन कहाँ से आएगी, कोई फ्री दे देगा? दूसरी बात, हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री कहते गरीबों की बात करते हैं, सब कहते हैं मैं तो गरीबों का हूँ, देखिए हम गरीबों, हम गरीब नहीं लगते, हमारा सारा पैसा टोटल ब्लॉक हो गया है, अब बताइए हम क्या करें? हमारी माननीय प्रधानमंत्री से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 जितना जल्दी हो सके अपना स्टेप लें और डायरेक्शन दें, चाहे वो जिस कंसर्न डिपार्टमेंट है अथॉरिटी को है, प्लीज़ फाइनेंस मिनिस्ट्री में आरबीआई को बोलें जल्दी से जल्दी इस एक्शन को खत्म करके पैसा रिलीज कराएं। क्या लगता है बैंकों से अब विश्वास उठने लगा है लोगों? बैंकों से तो लोग काफ़ी विश्वास उठने लगा है, देखिए कोई पसंद ही नहीं करता, लोग फिर सोचते हैं जमीनों में लगा दें, जमीन खोद के उसमें रखें, प्रॉपर्टी में लगाएं, कहीं भी रख दें, लेकिन बैंकों में पैसा ना रखें, खासतौर से सहकारी बैंकों में, जिनकी वजह से सरकारें चलती हैं, जिनकी वजह से सहकारिता हमारा आंदोलन चलता है, लेकिन कोई सरकार, कोई फाइनेंस मिनिस्टर, कोई आरबीआई हमारी नहीं सुन रहा और हम परेशान हैं सर, सड़कों पर आ रहे हैं। क्या क्या लग रहा है सर, कितनी कई बार आप लोग आ चुके हैं? सर 3 बारी आ चुके हैं आरबीआई, और भी बहुत जगह आ चुके हैं, हमें तो सिंपल सी एक, अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कोई भी एक एश्योरेंस दे देना कि आपका पैसा सुरक्षित है, हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे विल इफ़ दे वॉन्ट टू टाइम, अगर आप वो बोलें कि आपका पैसा सेफ है, हमें 6 महीने, 1 साल, 2 साल में हम आपका पैसा दे देंगे, इन शॉर्ट बाय द आरबीआई या होम फाइनेंस मिनिस्टर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि कोई उम्मीद आ सकती है कि पीएमसी खाता धारक का उनको राहत मिल सकती है? सर वही हर बार ही आती है, पर कोई आता नहीं है, कुछ भी नहीं आता, मतलब हर बार हम लोग वेट करते रहते हैं कि कोई अच्छी खबर आएगी, कोई अच्छी खबर आएगी, पर आती नहीं है, हमें फिर दोबारा सड़कों पर आना पड़ता है, तो ये तो एक प्रॉब्लम है। देखिए अब ये जो पीएमसी खाता धारक हैं वो लोग अब आरबीआई की तरफ जा रहे हैं और उधर से ये लोग घेराव करेंगे। वापिस करो पूरा पैसा, वापिस करो पूरा पैसा, वापिस करो, चोर है भाई, चोर है।
पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। शुरू कर देंगे तो क्या करेंगे हम लोग? बहुत खराब स्थिति है ये देश की, खराब स्थिति है। सिर्फ मैंने मतलब इस देश का दिल खराब कि हमारा जब फ्यूचर सुरक्षित नहीं, पेरेंट्स सुरक्षित नहीं, बच्चे रियली मोस्टली डिप्रेशन। लोगों का इतना विश्वास है सर, 350 सीटें मिली हैं और आप ऐसे कह रहे हैं, देखिए कहाँ थी। सर ये बहुत बड़ा भ्रम था, ये एक बहुत बड़ा भ्रम था कि आज लगता है कि कहीं गलती हो गई है। मुद्दों से आप हट जाते हो। बेरोजगारी आज, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ कहाँ है, ऑटो सेक्टर डूब गया, टेलीकॉम सेक्टर डूब गया, एविएशन सेक्टर डूब गया, सब कुछ डूब गया, देश डूब रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा, समझ आ रहा है सब कुछ, पर उन बातों को पर्दा डालने के लिए आज मंदिर इशू कर देते हैं, कभी कोई इशू उठा देते हैं, आज JNU का इशू उठा देते हैं। बड़ी छोटी छोटी अगर आप करना चाहते हो ना, सारे मुद्दे 10-10 मिनट में सॉल्व हो। JNU का भी हम देखें तो सर वहाँ पे इस बार जो मुद्दा है वो फी हाइक का, वहाँ पर भी फीस 30 गुना बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास पैसा नहीं है, इसीलिए सरकार वहाँ से सरकार के पास पैसा नहीं है, उसको हर सही गलत हर रास्ते को अपना रही है पैसे। ये गलत रास्ता ही था ना जो PMC के बैंकों का पैसा
अगर एक बात है, एक सिंपल सा सोल्यूशन है, बैंक को अगर बैंक के ऑपरेशंस अगर बंद ना करते ये चलने देते, आपने SDIL को पकड़ लिया, उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली, अब आप उनको ऑक्शन करेंगे, अगर बैंकिंग ऑपरेशन किसी पब्लिक को पता भी ना चलता, कोई पैसे निकालने के लिए भागता भी ना, बैंकिंग सेक्टर में कुछ ना होता, आप उनकी प्रॉपर्टी अटैच करते, गवर्नमेंट से लीगल प्रोसीजर करते, उनकी प्रॉपर्टी बेचते, अगेन बैंक में डाल दे। लोग जो आज बैंक खुले, आज यहाँ से लेके पार्लियामेंट तक की लाइनें लग जाएंगी पैसा निकालने के लिए, तो लोगों को पता भी ना चलने देता अगर आप काम करना चाहते। एक और सवाल, मोदी जी ने कहा था नोटबंदी के समय कि मैं देश नहीं लूटने दूंगा। सर, देश नहीं लूटने दूंगा, जनता को लूट लिया, देश को कोई बाहर वाला लूटेगा या नहीं लूटेगा, पर जनता को ही, अपनी जनता को ही लूट लिया आपने। कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी करते करते आज टुडे एग्जैक्टली वी आर कैशलेस, ना बैंक में, ना घर में, ना जेब में, वी आर टोटल कैशलेस। हम, मोदी जी ने अपनी बात पूरी कर ली, कैशलेस ही कर दिया, हमारे पास कुछ है ही नहीं। आज फ्यूचर डार्क है, प्रेजेंट डार्क है, क्या क्या हमने गलती क्या की? गलती सिर्फ ये हुई उसके ऊपर लिखा कि लाइसेंस बाय द RBI, दिस इज अ बैंक, PMC बैंक, शेड्यूल्ड बैंक। बस कहां हम कहां गलत थे, हमारी गलती हो। आज लोग, कुछ लोग बोल देते हैं जी आप 0.5% ज्यादा था, वो गलत था, पता नहीं यार कहां ज्यादा था, तो इसमें क्या हो गया, शेड्यूल्ड बैंक था ना, आपने लाइसेंस नहीं देना था ना, वो जब उसने 0.5% हाइक किए थे इंटरेस्ट रेट, आप बोलते हैं हाउ कैन यू राइज, आप RBI बोलता बैंक को, हमें क्यों बोल रहा है? एक दुकान, एक ग्राहक अगर कहीं जाता है किसी के पास, ये जूता कितने का है, वो कह रहा 10 रुपये का, वही कंपनी वही जूता दूसरा 8 रुपये का दे रहा, तो वो उससे ले रहा है, ये सब गलती कहाँ थी? आज एक स्टेटमेंट एश्योरेंस तो दीजिए, लोग मरने का वेट कर रहे हो, ठीक है कुछ लोग और मर जाएंगे, डेफिनेटली मर जाएंगे अगर आपने एक महीना होगा। बहुत लोगों में, आज मेरा एक पड़ोसी है, उसका उसकी बेटी की शादी है, कल की हो गई, 50,000 रुपये मिले उसको, 50 उसके 50 शादी, 1,00,000 में शादी नहीं होती सर। आज तो कुछ नहीं होता, दिल्ली में आप रह रहे हो, 30-40,000 घर का खर्चा होता है, और वो आदमी 70 साल का है। मेरे एक दोस्त ने किराए पे रहता 20 साल से, उसने 2,00,000 रुपये बयाना दिया एक मकान लेने के लिए 3 महीने के, कि जिस दिन पेमेंट की डेट होगी बैंक से निकालेगा और दे देगा, स्टक हिज मनी, बयाना डूब गया, अगर बैंक कभी देगा भी तो उसके पैसे भी देगा, वो 2,00,000 का जिम्मेवार कौन है? कोई नहीं, गरीब आदमी और मर गया। मैंने ब्रांच मैनेजर के पास बैठ के खुलवाए हैं, अकाउंट खुलवाने के बाद आज मेरे को बुराई मिल रही है, मैंने जिस जिसका यहाँ पे भला किया आज वही बैंक के लोग हमारे दुश्मन बन गए हैं, हमारा अपना पैसा हमें मिलने के लिए हम मोहताज हो गए हैं। जाहिर सी बात है, लोग तो यही कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भाई आपने खुलवाया था, वो तो मेरे को ही बोलते हैं कि आपने ही खुलवाया था, आप पैसा दो, बैंक वाले कोई सुनने के कोई परवाह नहीं, कोई सुनने को राजी नहीं है, या तो बैंक के बारे एक बोर्ड लगाना चाहिए कि RBI की कोई जिम्मेवारी नहीं है, आप अपना पैसा अपने रिस्क पर जमा कर रहे हैं, ऐसा हर डिपॉजिट स्लिप पे लिखा होना चाहिए कि आप पैसा जमा कर सकते हैं लेकिन RBI जिम्मेवार नहीं होगा, आप खुद जिम्मेवार होंगे, ताकि हर बंदा सोच समझ कर अपना पैसा बैंक में जमा करें। लेकिन तो RBI का ही तो भरोसा होता है जो लोग पैसा लगाते हैं। हमने आज तक RBI पे ही भरोसा किया और RBI ने ही हमें धोखा दिया है, RBI खूनी है, RBI के कारण कई लोग मर चुके हैं। भाई ये बताइए, बैंक ने तो 1,76,000 करोड़ उल्टा, मोदी जी ने तो 1,76,000 बैंक, मोदी जी ने तो उल्टा 1,76,000 करोड़ उल्टा बैंक से ले लिया, पहली बार इतिहास में हुआ जो पैसा युद्ध इमरजेंसी के लिए होता है वो पैसा बैंक से निकाल लिया, तो आपको कहाँ से उल्टा देंगे? तो उल्टा हो रहा है, उल्टी कहानी हो रही है कि रिजर्व बैंक पैसा ले रहा है उल्टा। बिल्कुल बिल्कुल, आज तक जो, और गवर्नमेंट को देखो आप, कॉरपोरेट्स का तो अरबों रुपया माफ कर दिया है, और जो आम आदमी का पैसा जमा है उन्हें अपने पैसे के लिए भी भीख मांगनी पड़ रही है, तो भी नहीं मिल रहा है, इसमें सारे पॉलिटिशियन ही इन्वॉल्व हैं इस स्कैम में, जो भी PMC में स्कैम हो रहा है। बिल्कुल, RBI को एक जांच कमेटी बिठानी चाहिए, क्योंकि जो भी पैसा है लोन लोगों के माफ किए जा रहे हैं, और जिसका पैसा है उसको ही वापस नहीं मिल रहा है, इसके अंदर जरूर एक बार जांच होनी चाहिए RBI की तरफ से, लिमिटेड पीरियड में होनी चाहिए और कम से कम समय में होनी चाहिए, और जितने लोगों की किसी ना किसी कारण से मर गए हैं जिनके बैंक में अकाउंट थे, उन्हें कम से कम 25,00,000 का कंपनसेशन तो देना चाहिए। बड़ी बात कर दी, जो सरकार अभी वर्तमान में दे नहीं पा रही पैसा आपका, 10,00,000 15,00,000 25,00,000 कैसे देगी, जो आश्वासन तक नहीं दे पा रही आप, जो जिस काम के लिए बैंक जिम्मेवार है तो उस बैंक की ही आज कोई भी बंदा मर जाता है, केजरीवाल जी हैं चाहे, वो कह रहे जी 1 करोड़ रुपये उसको दे दो जी, तो आए PMC का बैंक अकाउंट होल्डर क्या चाहता है, एक भरोसा ही तो चाहता है, और वो भरोसा ही इन्होंने तोड़ दिया है।